नाहं बसामि वैकुंठे सुधाम बसाले कुले योगिनां हृदय नवई मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः भगवान कहते हैं कि नारद जी मैं तुझे त्रिवार सत्य कहता हूँ कभी कभार मैं वैंकुंठ में नहीं होता हूँ नारद योगियों का हृदय लांग जाता हूँ नारद जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश जहाँ चंदा वहाँ चांदनी जहाँ समुद्र वहाँ तरंगे नारद जहाँ कुसुम पुष्प वहाँ सुगंध ऐसे ही जहाँ मेरे भक्त और संत हरि कथा हरि कीर्तन हरि चर्चा करते मैं उनके हृदय में प्रेमा भक्ति के रूप में ध्यान योग के रूप में हरिनाम कीर्तन की मधुर धारा के रूप में भाव समाधि में गायन्ति तत्र तिष्ठा मी नारद मेरे भक्त सत्संग कथा वार्ता करते सुनते हैं नारद वही मेरा निवास समझ देव ऋषि गोलोक में ना साकेत साकेतलोक में ना मिलूं तो जहाँ मेरे भक्त और संत मेरी कथा कीर्तन में रत हैं तो मुझे वहाँ मिल सकता है मद भक्ता यत्र गायंती भक्ता यत्र गायन्ति तत्र मी नारदा चन्द्रतिष्ठा मी नारदा हरे आ गहरा श्वास लो धनतेरस भगवान धनवंतरी का प्रागट्य दिवस आज धनवंतरी का प्रागट्य दिवस धनतेरस महोत्सव मनाना असली धन की सुरक्षा करना है लोग रुपए पैसों को धन मानते हैं बहुत छोटी बात है आरोग्य धन प्रथम है और रुपए पैसों का धन दूसरे स्थान जी खुश तो जहान खुश तबियत अच्छी नहीं तो रुपए पैसे क्या कर लेंगे तो आज के दिवस भगवान धनवंतरी का पूजन और प्राकृतिक नियमों के पालन की विधि जानने की तरकीब जैसे दिवाली की रात को कैसा शयन करें धनतेरस के संध्या को कैसा पूजन रात्रि को कैसा चिंतन और वर्ष के प्रथम दिन स्नान कैसा करें धनतेरस से लेकर अमावस्या तक के दिवस शरीर को मन को और मती को स्वस्थ रखने की बातें तीनों दिन में तीनों की बातें जानने के पर्व है कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व तो हम हिंदू लोग जानते हैं वैष्णव लोग आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना आंवले की प्रदिकिणा करना इसको भी बहुत लोग जानते और भगवान विष्णु का ये प्रिय वृक्ष है दीपदान करना यमराज की प्रसन्नता के लिए अकाल मृत्यु से टलने के लिए दीपदान करना नैवेद्य धरना प्रांगण में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी भगवान धनवंतरी का अवतरण दिवस धन्वंतरी जयंती 24 अवतार में ये बारवा अवतार माना जाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार पहला सुख निरोग काया दूजा सुख घर में माया जो ढिंगले की पूजा करते न वो पहले धनवंतरी महाराज का आदर कर लेना धनवंतरी महाराज की बातें जान लेना रात्रि को सत्तू या दही खाने से बुद्धि मारी जाती अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि कमजोर होती कार्तिक की दही दे पूतों को और भादो की दही दे भूतों को आंखों में तकलीफ हो तो बड़का दूध और कपूर घिस के अंजन करे तो आंखें ठीक हो जाए करेले कब खाना चाहिए तृतीया को परवल खाएंगे तो शत्रु की वृद्धि होगी चतुर्थी को मूली धन का नाश करती धन की बरकत का अष्टमी को नारियल बुद्धि नाश करता है त्रयोदशी को बैंगन पुत्र सुख से आदमी वंचित हो जाता है अमावस्या पूर्णिमा और रविवार तिल का तेल और तिल का उपयोग वर्जित कहा गया है रविवार को अदरक लाल मिर्च और लाल रंग की सब्जी और लाल कपड़े और लाल बल्ब से परहेज करें नहीं तो क्रोधी स्वभाव होगा कार्तिक में बैंगन माघ में मूली सूर्यास्त के बाद कोई भी तिलयुक्त पदार्थ ना खाएं और धनमंत्री महाराज जी की ऋतुचर्या जो बताई गई है वो अगर हम पालन करें तो हाई बीपी हो नहीं सकता लो बीपी का तो सवाल ही नहीं हार्ट अटैक तो दूर ही रहे तो आज धनवंतरी महाराज का प्रागट्य दिवस है लोग बोलते हैं धनतेरस धन की पूजा असली धन क्या है प्रथम धन आरोग्य सुख स्वास्थ्य वास्तविक में धन है पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में माया धनवंतरी महाराज का पूजन स्मरण करें धनवंतरी महाराज के उपदेशों की कुछ बातें समझ लें और इस ढंग से अपनी दिनचर्या करें वर्ष का प्रथम दिन तिलों का तेल का थोड़ा मर्दन कर लें फिर स्नान करें हो सके तो जौ तिल और आंवले का पाउडर मिलाकर थोड़ा उडन बनाकर वो रगड़ के मालिश के बाद फिर स्नान करें मैं आपसे पूछता हूं कि धरती पे चौरासी लाख योनिया आपने सुनी है और हजारों योनिया तो देखी भी होगी किसी भी प्राणी का मलमूत्र पवित्र माना गया है क्या चाहे ब्राह्मण हो चाहे बड़ा राजा का बाप हो बड़ा पवित्र तपस्वी होता क्या उसका एक ही बेकी कभी पवित्र मानी क्या ऐसी कोई भूल किया क्या? किसी प्राणी का मल मूत्र डबल और सिंगल पवित्र माना क्या कभी नहीं अगर किसी प्राणी का मानते तो वो है माता। तो ये माता में ऐसी क्या शक्ति है क्या योग्यता है कि उसका डबल और सिंगल एक की और बे गोबर और गोजर पवित्र माना जाता है मांगलिक कार्यों में उसका उपयोग होता है अगर तुमको मिल जाए गो अथवा गो गोबर तो वो लगा के रगड़ के फिर स्नान करना देखना बेस्ता वर्ष की कैसी चमक रहती अथवा दिवाली का दिन या बेस्ता वर्ष का दिन हार्ट अटैक हुआ है डॉक्टर ने कहा एक बूंद घी नहीं खाना सेठ जी नहीं तो मौत नजीक आएगी इस डॉक्टर को बोलो ठीक है हम घी नहीं खाते गौ माता का प्रसाद खाते गाय का घी खूब खाओ कोई नुकसान होने वाला नहीं अगो झरण का उपयोग करो अपने आप हार्ट अटैक और बायपास सर्जरी सब कैंसिल हो जाएगा घर में अगर इधर उधर का कोई संशय है गड़बड़ी है तो गाय के कंडे का धूप कर दो उसमें गूगल डाल दो थोड़ा सा भैंस का घी और शक्कर मिला दो धूप करो और घर के लोग लंबा सांस लो और हरिओ मरियो 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 मरय मरियो 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 मरो मोम मो ओम 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 शक्ति हरिओ मर मरियो 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 भक्ति हरिओ मरियो 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 आरोग्य आज धनवंतरी दिवस है हरिओ मरिओं भगवान धनवंतरी की जय हो जय हो आरोग्य दाता धनवंतरी देव की हरि ओम जय धनवंतरी देव ओम ओम ओम, ओम हा, हा, हा। तो धनवंतरी महाराज की जयंती मनाने में आप तो आज पक्का करियो कि आज तुम भोजन मत करना धनवंतरी महाराज को प्रेम से बोला महाराज आपका बारवा अवतार धनतेरस का प्रथमा सुख निरोग काया महाराज हमारा आयु आरोग्य पुष्टि करने वाले धनवंतरी महाराज थोड़ा नैवेद्य भले बाहर लगा दो यमराज के लिए हाँ जी हैं यमराज को भी प्रसन्न करेंगे तो अकाल मृत्यु से बचाव होता है धनतेरस का यमराज का भी पूजन माना गया दीपदान कर दिया कार्तिक महीना है हाँ यमराज के वो जो है कुत्ते दो उनको जरा खिला दिया तो खिला दिया फिर आप भी थोड़ा खाओगे तो धनवंतरी महाराज आपको भोग लगे महाराज आरोग्य प्रदाय का तंदुरुस्ती देने वाले महाराज नमः महाराज आपकी आज की रात ऐसी सुखदायी होगी कि मैं आपको फिर कभी पूछूंगा कि कैसी